लेकिन हम बाकी जो टीम्स है जो अभी के लिए आगे बढ़ रही है, टीम आईक्यूसोल फाइनली अब ये भी फाइट में इन्वॉल्वमेंट करती हुई। आईक्यूसोल स्प्रे करने की कोशिश, सामने हीरो वार्ड्स ऑग के साथ हमने वो स्प्रेज देखे हैं पहले भी, वो लेजर स्प्रेज, कुछ करने की बारी। आईक्यूसोल आगे बढ़ती हुई है, रोबोट्स अब बैकफुट पे जा सकते हैं, बट वहां पे एक प्लेयर तैयार थे, एक नॉक तो निकाला दूसरा प्लेयर वहां पे। बट इसी टीम की मैं बात कर रहा था, ये टीम गेम बहुत ज्यादा फायदा देता है आईक्यूसोल को, बट इस बार प्लेयर्स नॉक जरूर हुए हैं आईक्यूसोल के, बिकॉज एरोबोट्स के प्लेयर्स दूर दराज इलाकों से स्प्रे डाउन तो कर रहे हैं। और वह देखिए अब पुश करने की बारी, दो नॉक कर दिए, पुश करना बनता है, लेकिन आप जा रहे हैं वहां हवा में ही खत्म होते नजर आएंगे। आईक्यूसोल मान्या जब तक है तो मुमकिन सब कुछ है, तीन फ्रैग्स उनके नाम के आगे, लेकिन अभी भी ये मैच में बहुत कुछ देखना बाकी। तो अभी फायदा उठाएंगे, और जी हाँ टीम आईक्यूसोल को भी इस फाइट की भनक लगी है, तो मान्या फिर से वो मैजिकल स्प्रे के साथ क्या समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये फाइट वापस से टीम आईक्यूसोल के पक्ष में जरूर जा सकती है अभी के लिए। क्रेजी मोलोटोव बाय मान्या, उन्होंने सही जगह पे जाते ही एग्जैक्टली मोहरी कर दी। कमाल है, थर्ड पार्टी की एक अच्छी मिसाल यहाँ पे कायम करी आईक्यूसोल ने, पोजीशन तो रिवील्ड है उनकी, शॉट देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, और दैट शॉट वाज गुड। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो WSB के प्लेयर्स भी नॉक हुए हैं, बट मान्या थे जिन्होंने डेविड को नॉक किया है। ए, मान्या महोदय आज कुछ अलग मूड में आए हैं, क्योंकि डैमेज किसी और ने दिया था उनके ऊपर। डैमेज इतना ज्यादा था ना कि प्ले जोन का भी वो डैमेज तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, बट क्या हो गया, चारों के चारों खिलाड़ी एक साथ चित होते नजर आ जाएंगे। आईक्यूसोल रॉनी को तो अंदाजा भी नहीं था कि पीछे स्मोक के अंदर वो खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए, और हंटर्स तो यही भी चाहते थे टॉपर्स टीम का, शायद मुझे लग रहा है वो अंत देखने को ना मिल जाए। सौम्य अभी बचे हुए थे, लेकिन ये आखिरी खिलाड़ी थे शायद सौम्य, उनका भी अंत, बट अच्छे ट्रैक के साथ उनका अंत हुआ। यहाँ से 7 अंक लेके गई यहाँ से टीम आईक्यूसोल, क्या वो पहली बैचल हमें देखने को मिलती नजर आएगी, इसका इंतजार कर रहे थे। और चलिए फिर आपने बोला कि एक भी गोलियां चली नहीं है, और अभी के लिए क्लच गॉट ने शुरुआत कर दी है कनेक्शन बनाने, लेकिन अब वो मौका बन सकता है। जी हाँ, ये शुरुआत हुई है इस फाइट की, गुजरात आएगा जरूर यहाँ पे एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहेंगे आज का दिन, आते हैं कि जीत के साथ वो भी शुरुआत करें। यहाँ पे शॉटगन वर्सेस शॉटगन, सौम्य वो बिल्कुल भी सौम्य नहीं थे, वो कठोर थे, उन्होंने आगे आके पुश किया, उन्होंने एक गिराया, उन्होंने दो गिराए, सौम्य ऑन फायर, उनको रोकना अभी के लिए पॉसिबल नहीं थी। ये डैमेज बहुत फंस चुके हैं वहां पे, ज़ेरफ को भी डाउन किया गया, ये आईक्यूसोल है, और जोर जोर से वो बोल रहे हैं बट अरमान क्या वो आज एक मैजिकल 1v4 करके दिखा सकते हैं। मौका पूरा उनके पास, शॉट देने की कोशिश, थोड़ा सा डैमेज दिया, एक और प्लेयर को देखा, बट कोई फायदा नहीं। आज के दिन की शुरुआत कर दी है 4 फ्रैग्स के साथ। देखिए इसमें इतना मैं कहूंगा, कल के दिन पे भी डिफरेंट मैं टूर्नामेंट देख रहा था, वहां पर भी सौम्य ने एक काफी अपर हैंड के साथ टीम गुजरात टाइगर्स को मात दी थी। वहां पर उन्होंने आगे बंदे, एक और लो, दो बंदे लो, दो बंदे लो, आगे बंदे, दो बंदे लो, कर रहा हूँ, आगे बंदे, छोटे रुक जा, लेफ्ट से देख रहा हूँ, लेफ्ट वाले घर से, वो भी नेड कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, एक गाड़ी पे आया, किधर है और मान्या, शुरू जरूर हुई है, और पुचिंग टीम में वो डिफेंड करना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि VXT को करीब आना पड़ेगा, सब कुछ इस खिलाड़ी के कंधों पे, क्या यहाँ पे वो फ्राग निकाल सकते हैं। बट बीस्ट को देखिए, रिस्क तो बहुत बड़ा ले रहे हैं, बट अपने प्लेयर को शायद बचा भी लेंगे, और इनफैक्ट WSB अपने दोनों प्लेयर्स को रिवाइव करते हुए जाने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। स्टेज 5 चल रहा है, स्टेज 6 शुरू हो जाएगा, चल रहा है अभी भी, कोशिश तो जरूर करें लूसीफर, हमें ऐसा लगा था कि निकल जाएंगे, लेकिन देखिए चकमा नहीं देख पाएंगे आप। क्या कमाल का खेलती हुई 5 फ्रैग्स निकाल चुकी है, टॉप 7 के अंदर एंट्री कर चुकी है, लेकिन WM वर्सेस ब्लिट्स का, लेकिन कोई टीम अभी के लिए आगे नहीं जा रही, कंपाउंड टू कंपाउंड फाइट करना बिल्कुल भी प्रेफरेंस दिखा नहीं रही यहाँ से टीम। लेकिन ये देखिए इस दौरान TWM ने जब अंदर जाने की कोशिश करी, दूर दराज बैठी टीम आईक्यूसोल ने इसका फायदा उठा लिया, फायदा उठाया, और आईक्यूसोल के बेटर तो बस फ्रैग्स पे फ्रैग्स पे फ्रैग्स पे फ्रैग्स निकालना चाहते हैं, अपने असली रंग, अपने असली रूप, अपने असली अग्रेशन के साथ अभी के लिए खेलते हुए। दूसरी तरफ इन्फर्नो स्क्वाड की फाइट भी चल रही है, बट DJ नो को करिए 11 और अपोनेंट को करिए बाय बाय आईक्यूसोल 11 फ्रैग्स। आप लेते देखिए आपने अच्छे खासे अंक तो हासिल कर लिए हैं, बट टीम आईक्यूसोल माइंडसेट पे बस एक ही चीज है, हमें आना है उस टेबल टॉपर के अंदर, और देखिए एक और आप एक एक करके अभी जो फ्रैग्स काउंट है इसको बढ़ा दीजिए आईक्यूसोल, ये है कि सर्कल अब आपके साथ ही दे रहा है, सर्कल जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अभी के लिए, 3 खिलाड़ी 3-1 का एक मैसिव स्प्लिट के साथ,
काफी कमाल का स्प्लिट है, क्योंकि बाकी जो खिलाड़ी है, अगर आप बाकी खिलाड़ी को देखेंगे टीम ब्लिट्स अभी भी उस एजेस पे बने हुए हैं और वो कोशिश जरूर कर रहे हैं टीम आइकोसोल को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की। इनक्रेडिबल मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है, बट इन्फर्नो स्क्वाड वो भी खत्म। आइकोसोल तबाही मचाई है इस टीम ने अभी के लिए इस लॉबी के अंदर, बट कितना और दूर जाएंगे, क्या वो चिकन लेके मानेंगे, एक सवाल। बट उनके सामने जो टीम है वो भी खतरनाक एक टीम है, ब्लिट्स, एक 4v4 बैटल हम सबका इंतजार करती हुई। जी हाँ, और ये 4v4 है तो समझ जाए कि एक खिलाड़ी अभी के लिए हील बैटल ले रहा है, बट वो कौन रहेगा, थोड़ा सा और अगर सर्वाइवल हो गया तो बहुत बेहतर। बट टीम आइकोसोल वो चाहती ही यहाँ पर ये चार जो फ्रैग्स है ना वो भी कैप्चर करे जाए। यहाँ से सोमे को स्पॉट किया, सोमे को शॉट दिया, सोमे को डैमेज दिया, लेकिन नॉक अभी तक आया नहीं रैम्बो की तरफ से, वो शॉट्स रोटेशन के चलते बाहर निकलना पड़ेगा उनको, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, कवर छोड़ना पड़ेगा। बट रॉनी दैट वाज अ गुड स्प्रे, एक अच्छा बर्स्ट उन्होंने मारा, डैमेज बहुत दिया, दूसरे प्लेयर को स्पॉट किया, और ब्लिट्स इस चीज का एडवांटेज उठाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। यहां से फिलहाल देखिए स्मोक करे जा रहे हैं, बट रॉनी ये बड़ा नॉक है, ये बहुत बड़ा नॉक है, बट पेटर ने यहाँ पे ट्रेड भी निकाल दिया है ड्रोनर के ऊपर, स्मोक्स करे जा रहे हैं पेटर, ऑलरेडी 5 frags इस प्लेयर के नाम के आगे, 5 को 6 भी कर सकते हैं आप, ये नेड्स नहीं है, ये बारिश है अंगारों की। लेट्स अभी के लिए पूरी तरह बैटफुट पे, बेटर नेड पे नेड पे नेड, इनके नाम क्या आ सकता है, बेटर को यहाँ पे डाउन किया गया। देखने की बात है कि यहाँ पे एक और नॉक निकाला जाएगा या नहीं, नेसलर अभी भी इंतजार करते हुए, एंड लीजिए एक और शानदार विनर विनर चिकन डिनर आइकोसोल के खाते में जाता हुआ। बार बार देखिए प्री फायर वहां पर किया जा रहा है, प्रीएम्प्टिव ग्रेनेड्स भी यहां से किए जा रहे हैं, और इस दौरान टीम आइकोसोल एक एक करके वो कदम जो है आगे रख रही है, और हो सकता है वो थर्ड पार्टी में कामयाबी उनको मिलती नजर आ जाए। यहां से एमवीपी 777 वो अकेले और टीम मिथ भी आ चुके हैं, शायद मैंने सही कहा था कि ये पाई नान नहीं है तंदूरी नान बन चुका है, और एक के बाद एक टीमें आते जा रहे हैं मोलोटोव ग्रेनेड, और उसी के साथ टीम आइकोसोल वो मोहर लगाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसके ही पहले इधर शटडाउन किया गया, पीछे से गुजरात टाइगर्स भी आ चुके हैं। ओ माय गॉड, क्या फाइट चल रही है इस एरिया पे, ये क्या चल रहा है। शुरुआत हुई थी टीम एलएफपी और ओजी के साथ, उसके बाद टीम ऑल स्टार का आगमन लेज है ना, वो भी ऑडियंस को कह रहे हैं कि चलिए ऑडियंस आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे फाइट्स को, क्योंकि सैनॉक में स्टार्टिंग जोन में तो फाइट हुई नहीं, जो फाइट हो रही है वो स्टेज 3 पे देखने को मिलती नजर आ रही है, और पाइनान को ऐसी जगह जहां पर अभी गिरे, पीटर ने तो अपने 2 frags निकाल दिए, लेकिन उनको पता है कि अभी भी बहुत ज्यादा मौजूदगी है आसपास खिलाड़ियों की, तो उनसे थोड़ा संभल के रहना है। स्टेज 4 है ये, और स्टेज 4 में ज्यादा देर तक आप बाहर नहीं रह सकते। आइकोसोल के रॉनी इधर एरोबोट्स के प्लेयर्स को ओरवा को इधर नॉकआउट कर गए, और शायद विनगॉड के जो गॉडिक्स हैं उनको बचाना इस यात्रा में तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेनेड एक के बाद एक उसी जगह पे जा रहे हैं, बट शायद रिवाइवल मिल चुका है। लेकिन सामने आप देखिए मिथ, ये तो ऐसे आए कि हम लेंगे फाइट, लेकिन मिथ आते ही थोड़ा सा स्टैचू टाइप हो गई, जो बात कर रहे थे टीम आइकोसोल की बैटल देखने के लिए 2v, क्या ये 2v1 का सिनेरियो अभी के लिए बनता नजर आ रहा है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, काफी शानदार ये फाइट, रॉनी कोई गलती करेंगे नहीं, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो 8 टीमें कौन होने वाले जो अपर ब्रैकेट पे जाने वाले हैं। बट मान्या उनकी तरफ से एक शॉट आया, ब्लिट्स के प्लेयर को नॉकआउट कर गए। आई थिंक ये जिस हिसाब से वो आगे बढ़ तो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये रिच का फायदा उठा के वो जरूर फाइट लेना चाहेंगे। देखिए आइकोसोल के पास कोई डर नहीं है और डरने की वजह भी नहीं है, बट ट्रॉन्जर ने वहां पे एक अच्छा नॉक निकाला जरूर है, गाड़ी के अंदर बैठे मान्या रीलोड पे चले गए, अदरवाइज ये नॉक करने का मौका उनके पास था जरूर, अभी भी है शॉट तो अभी भी दे जा रहे हैं, नॉक आएगा नहीं आएगा, नहीं आया इस बार, अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। उधर नकुल तो या तबाही बन के आए हैं, बैक टू बैक 3 knocks निकाले, बैक टू बैक 3 finishes निकाले, नकुल अकेले ही यहाँ पे छा गए, पीछे ड्रॉन्जर आखिरी प्लेयर, 1v3 करना पड़ेगा इस प्लेयर को, डैमेज तो बहुत दिया है मान्या को, एंड मान्या भी स्मार्ट है, इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथी कब आएंगे वहां पे, और जी लीजिए बहुत आसानी से रॉनी ने निकाला वो फ्राग, वहीं आइकोसोल स्पॉट तो किया है, आप देखिए तो सही, नकुल के पीक्स काफी अच्छे हैं, बर्स्ट फायर देखिए कितना शानदार, और 4x चलाना ना एक आर्ट है, इतना आसान नहीं है 4x के साथ ये बर्स्ट मारना, हालांकि अब पुश करने की बारी है, चारों प्लेयर्स काफी ज्यादा निकला है आइकोसोल का, और यू कैन से रॉकेट निकला है आइकोसोल का, कहां जाके लैंड करेगा, लेट्स फाइंड आउट, इधर देखते हैं कि किस तरफ जाके वो अपना होल्ड दिखाते हैं, और अगर होल्ड करते भी है कि नहीं, इनके जो सोच रहते हैं वो काफी निराले हैं, वो प्लेयर देख के ही फिर ही रोकते हैं, वो कहीं पे होल्ड करने के लिए ज्यादा रुकते नहीं है। बट मानिया इनके पास हेलमेट नहीं है ना ही वेस्ट है, क्योंकि अगर वो ओपन में गए तो इनके नॉकआउट बहुत ही जल्दी होते हुए दिख सकते हैं, विश्वरूप ऑन द अदर हैंड, जिसकी वजह से वो ज्यादा ओपन में नहीं जा रहे हैं। देखिए विश्वरूप वो फाइट लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, शॉट लगा, और इसी के बारे में बात कर रहे थे कि मान्या आपके पास ना हेलमेट है ना
वेस्ट बट विंड गॉड को देखिए आ चुके हैं, आइको सोल के प्लेयर्स को स्पॉट भी किया है, बट आइको सोल हमेशा इतने बड़े स्प्लिट में होते हैं कि आप कभी भी एक नेट से मल्टीपल नॉक्स नहीं निकाल पाते, और फिर वो वहां से कवर भी बहुत अच्छा देते हैं। मान्य जैसा मैंने कहा कवर देने आएंगे जरूर, डैमेज भी काफी पड़ा है, अभी तक कोई खासा नेट कनेक्शन मिला नहीं, बट मान्य जैसा मैंने कहा वो इतनी आसानी से लेब्रॉन को अपने प्लेयर्स को नॉक तो नहीं करने देंगे। चारों तरफ से विंडगॉड को इधर घेर लिया गया है, सभी इधर स्पॉट आउट कर चुके हैं, विंडगॉड के आयान को भी खत्म करा, हंटर्स फाइट कर रही है, आइको सोल जो झारू ये टीम है कितनी देर से वहां पे बैठे हैं, सबकी निगाहें इनके ऊपर थी बट फिर भी वो सर्वाइव करके गए। सिर्फ एक टीम है जो जोन के अंदर है और वो है आइको सोल, और वो भी सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं बिकॉज गाड़ियों का कुछ ऐसा कवर बनाया हुआ है उन्होंने। सभी के पास दो दो करके प्लेयर जिंदा, मुझे लगता है कि गॉटलिन काफी भारी पड़ सकता है आइको सोल के लिए। जी हाँ, वैसा ही कुछ हुआ, बट विश्वरूप उन्होंने स्पॉट आउट किया सोमे को, नकुल को खत्म करने की कोशिश चल रही है, मोलोटॉप भी फेंका गया था लेकिन क्या वो कनेक्ट हुआ है वही देखने वाली बात। जी हाँ, निंजा जॉट का वो ग्रेनेड आएगा, इधर डेल्टा पीजी ने नकुल को बाहर किया, एंड उसी के साथ हमें ये गेम